सिक्योरिटी के कार्य क्षेत्र से जुड़े सब भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम है दिनेश और स्वागत करता हूं मेरे चैनल पे। दोस्तों, सिक्योरिटी के कार्य क्षेत्र में पेट्रोलिंग ड्यूटी का बहुत महत्व है। आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा पेट्रोलिंग ड्यूटी क्या होती है, पेट्रोलिंग ड्यूटी करने का उद्देश्य क्या है, पेट्रोलिंग ड्यूटी करने का सही तरीका क्या है, कितने तरह की पेट्रोलिंग ड्यूटी होती है और पेट्रोलिंग ड्यूटी में स्टार मेथड का क्या महत्व है। दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। मैंने कोशिश की है ये वीडियो में एनिमेशन के द्वारा आपको समझाने के लिए कि पेट्रोलिंग ड्यूटी कैसी करनी चाहिए। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पर आप क्लिक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, जैसे मैंने बताया था, किसी भी सिक्योरिटी में पेट्रोलिंग की ड्यूटी बहुत ही अहम होती है, या यूं कहे तो किसी कंपनी के साइट सिक्योरिटी प्लान में बैकबोन या रीढ़ की हड्डी का काम करती है, क्योंकि पेट्रोलिंग का उद्देश्य किसी कंपनी में सुरक्षा बनाए रखने का होता है। ऐसे में जब सिक्योरिटी गार्ड पूरे यूनिफॉर्म के साथ कंपनी के सराउंडिंग एरियाज में राउंड मारता है तो अंदर काम करे एम्प्लॉई और क्लाइंट अपने आप को ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हैं। दोस्तों, जब भी कोई कंपनी अपना सिक्योरिटी का डिजाइन तैयार करती है तो सबसे पहले उस कंपनी में होने वाले संभावित खतरों या रिस्क के बारे में वो एनालाइज करती है और उसके हिसाब से ही सिक्योरिटी का सेटअप तैयार करती है, जिसको हम सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट प्लान या सिक्योरिटी ड्यूटी पॉइंट बोलते हैं। ऐसे में आप जहां ड्यूटी करते हैं वहां पेट्रोलिंग ड्यूटी का भी एक पोस्ट है, तो आपको ये जान लेना चाहिए कि कंपनी ने इस पोस्ट का डिजाइन संभावित खतरों को ध्यान में रख के किया है। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे पर्पस ऑफ पेट्रोलिंग क्या है। कोई भी कंपनी पेट्रोलिंग किस उद्देश्य से कराती है? पेट्रोलिंग का पर्पस कंपनी के संवेदनशील और महत्वपूर्ण इलाकों पर नजर रखने का है, जहां किसी स्टैटिक गार्ड की डिप्लॉयमेंट नहीं होती है और जहां पर इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सिस्टम जैसे CCTV एक्सेस कंट्रोल सिस्टम का कवरेज नहीं होता है, ताकि कंपनी क्षेत्र में क्राइम, एक्सीडेंट, लॉस या डैमेज के रिस्क को कम किया जा सके, और अगर ऐसा कोई रिस्क होता भी है तो उस पर इमीडिएट एक्शन लिया जा सके। दोस्तों, पेट्रोलिंग ड्यूटी के तीन प्रमुख स्तंभ होते हैं जो किसी भी साइट में एप्लीकेबल होता है। पहला है आपकी साइट की टोपोग्राफी। आपको कंपनी के संरचना के बारे में पता होना चाहिए कि आपके कंपनी की बनावट कैसी है, कितने सारे रास्ते हैं, क्षेत्रफल कहाँ तक है, कौन सा क्रिटिकल एरियाज है, वर्क स्टेशन कहाँ है, स्टोर्स कहाँ है, यूटिलिटी एरिया कहाँ है, पार्किंग कहाँ है, रिफ्यूज एरिया कहाँ है, इमरजेंसी एग्जिट डोर्स कहाँ है, फायर हाइड्रेंट सिस्टम कहाँ है, फायर एक्सटिंग्विशर्स कहाँ रहते हैं, सर्वर रूम कहाँ है, डीजी एरिया कहाँ है, ऐसी तमाम जानकारियाँ आपके पास होनी चाहिए। दूसरा है जहां आप काम करते हैं वहां का साइट पेट्रोलिंग प्लान या साइट पेट्रोलिंग प्रोसीड्यूर। दोस्तों, इफेक्टिव तरीका से पेट्रोलिंग करने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि आपके कंपनी में पेट्रोलिंग के लिए क्या प्लानिंग है या क्लाइंट ने पेट्रोलिंग के लिए क्या इंस्ट्रक्शंस दिया है। सामान्यतः हर कंपनी अपने सिक्योरिटी टीम के लिए पोस्ट ऑर्डर्स या पोस्ट एंड साइट इंस्ट्रक्शंस, ब्रीफिंग और ट्रेनिंग के माध्यम से ये बताती है कि उनको क्या पेट्रोलिंग करना चाहिए और पेट्रोलिंग के समय में किन चीजों पर ध्यान रखना चाहिए। इसके अलावा भी बहुत सारी कंपनियों में पेट्रोल चेकलिस्ट का प्रोविजन होता है, जिसके माध्यम से गार्ड को पेट्रोलिंग के दौरान चेक करना पड़ता है। कोई भी कंपनी अपने पेट्रोलिंग चेकलिस्ट का उस कंपनी के रिस्क और संभावित खतरों के हिसाब से तैयार करती है। ऐसे में हर कंपनी में पेट्रोलिंग के दौरान ऑब्जर्वेशन का पॉइंट अलग अलग हो सकता है। दोस्तों, पेट्रोलिंग ड्यूटी का जो तीसरा स्तंभ है वो है ऑब्जर्वेशन, असेसमेंट एंड रिपोर्टिंग। चीजों को देखना, उनकी जांच करना और अगर उसमें कुछ गलत दिखे तो उसकी सूचना अपने सुपरवाइजर को देना। दोस्तों, पेट्रोलिंग की ड्यूटी में जब आप राउंड पे हो तो आपको देखना चाहिए कि आपके कंपनी के प्रीमिसेस में अंदर या बाहर या रास्ते पे कोई संदिग्ध वस्तु तो नहीं रखी हुई है, जैसे कोई बॉक्स, कोई ब्रीफकेस या कोई कीमती मटेरियल या स्क्रैप। दोस्तों, राउंडिंग के समय अगर आपको कोई भी वस्तु ऐसा दिखे जिससे आपको शक पैदा हो या आपको लगे ये वस्तु यहाँ नहीं होना चाहिए या आपको लगे कि यह सामान किसी चोरी के नियत या कंपनी को किसी तरह नुकसान करने की नियत से रखी गई हो, तो ऐसी चीजों को आप तुरंत नोटिस पे लें और इसकी सूचना आप तुरंत अपने सुपरवाइजर को दें। जब तक आपके सुपरवाइजर वहाँ नहीं आते हैं या उनका आदेश नहीं होता है, तब तक आप उस सामान को ना छुए जब तक कि ये जरूरी ना हो और ना किसी को छूने दें। ऐसी स्थिति में आपके सुपीरियर के निर्देश के हिसाब से ही आप एक्शन लें। जब एक सिक्योरिटी गार्ड पेट्रोलिंग राउंड के लिए निकलता है तो उस दौरान उसके रास्ते में आने वाले या आसपास की हर चीजों या गतिविधियों पर नजर रखना होता है। ऐसे में अगर सिक्योरिटी गार्ड को कोई भी वस्तु या कोई भी गतिविधि या कोई भी व्यक्ति असामान्य लगे, असुरक्षित लगे या संदेह पैदा करे, तो आपको तुरंत ही उसका अच्छे से निरीक्षण करना चाहिए ताकि आप सही तथ्यों के बारे में कंफर्म हो जाएं। अगर आप किसी भी डाउटफुल ऑब्जेक्ट या डाउटफुल एक्टिविटी को तुरंत जांच करते हैं तो आपको सच्चाई का पता चल जाता है और ये पता चलता है कि स्थिति कितनी गंभीर है और आपको किस तरह से एक्शन लेना चाहिए। और जब आप सब कुछ जान के जब अपने सुपरवाइजर को रिपोर्ट करते हैं तो आपका रिपोर्ट पूरा डिटेल होता है, जिससे आपके सुपीरियर को डिसीजन और एक्शन लेने में आसानी होती है।
उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड रवि की आज फ्लोर पेट्रोलिंग की ड्यूटी है और पेट्रोलिंग के दौरान उसका काम है कि कंपनी के अंदर जितने भी एक्सेस कंट्रोल डोर है उसकी जांच करे और देखे कि एक्सेस कंट्रोल सिस्टम अच्छा से काम कर रहा है। सिक्योरिटी गार्ड रवि जब ये कार्य कर रहा था तो वो देखता है कि वर्क एरिया में दो व्यक्ति आपस में जोरदार बहस कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में अगर सिक्योरिटी गार्ड रवि घटना को देख के भी नजरअंदाज करता है ये सोच के कि ये उसका काम नहीं है, उसका काम तो एक्सेस कंट्रोल चेक करना है, तो इसका ये निर्णय गलत होगा। ऐसी परिस्थिति में रवि को घटना की गंभीरता को समझना चाहिए और उस पर तुरंत निर्णय लेना चाहिए। उसको तुरंत सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना चाहिए और जब तक सुपरवाइजर ना आए उसको स्थिति को संभालने की कोशिश करनी चाहिए। एक दूसरे एग्जाम्पल में जब सिक्योरिटी गार्ड रवि पेट्रोलिंग कर रहा होता है तो उस दौरान वो देखता है कि कंपनी का पेरीमीटर फेंसिंग वाल एक स्थान पर टूटा हुआ है। वो तुरंत ही उस जगह पहुंचता है और जांच करता है। जांच के दौरान वो ये समझता है कि इस टूटे हुए जगह से कोई भी अंदर आ जा सकता है या कोई व्यक्ति कोई सामान बाहर लेके जा सकता है। ऐसे में रवि बिना समय गवाए इस घटना की सूचना अपने सुपीरियर को देता है और उसके सुपीरियर के आने तक उस जगह की रखवाली करता है। इस उदाहरण में रवि का फेंसिंग वाल टूटा हुआ देखना ऑब्जर्वेशन था और जांच के बाद रवि को ये चीज समझना कि इस टूटे हुए वाल से कोई भी व्यक्ति अंदर बाहर जा सकता है या कोई भी सामान बाहर या अंदर आ सकता है समझना असेसमेंट था। और इसके बाद रवि इस घटना की जानकारी अपने सुपरवाइजर को पूरे डिटेल्स में देता है। इसे ही रिपोर्ट करना कहते हैं। अगर आप पेट्रोलिंग की ड्यूटी करते समय इन तीन बातों का ध्यान रखेंगे तो गलती की गुंजाइश कम होगी। इसके अलावा भी पेट्रोलिंग की ड्यूटी में आपको हमेशा सचेत रहना पड़ता है और सही सूझबूझ का इस्तेमाल करना पड़ता है। टाइप्स ऑफ पेट्रोलिंग। पेट्रोलिंग कितने तरह के होते हैं? मुख्यतः पेट्रोलिंग चार तरह के होते हैं। पहला होता है डिटेल राउंड पेट्रोलिंग। डिटेल राउंड पेट्रोलिंग में पेट्रोलिंग गार्ड पूरे कार्य क्षेत्र में पेट्रोल करता है और हर एक चीजों को देखता है। दूसरा है सबसिक्वेंट राउंड पेट्रोलिंग। सबसिक्वेंट राउंड पेट्रोलिंग में मुख्यतः जो कंपनी के क्रिटिकल एरियाज होते हैं वहां पर पेट्रोलिंग की जाती है। डिटेल राउंड पेट्रोलिंग की तुलना में सबसिक्वेंट राउंड पेट्रोलिंग की फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है और गार्ड को ज्यादा बार राउंड करना पड़ता है। तीसरा है एक्सटर्नल राउंड पेट्रोलिंग। दोस्तों जैसे नाम से ही जाहिर है इसमें कंपनी के आउटसाइड पेरीमीटर की पेट्रोलिंग की जाती है। चौथी तरह की जो पेट्रोलिंग होती है उसे हम स्पेशल राउंड पेट्रोलिंग बोलते हैं। स्पेशल राउंड पेट्रोलिंग तब की जाती है जब किसी तरह का कोई सस्पिशियस एक्टिविटी नोटिस की जाती है या कहीं से कोई सस्पिशियस साउंड आता है या ऐसा कोई स्मेल आ रहा हो जिससे संदेह पैदा हो, इसको कन्फर्म करने के लिए जो राउंड की जाती है उसे ही स्पेशल राउंड पेट्रोलिंग कहते हैं। दोस्तों पेट्रोलिंग की ड्यूटी को समझने के लिए हम पेट्रोलिंग की ड्यूटी को तीन भागों में बांटेंगे। पहला है एक्सटर्नल पेट्रोलिंग, दूसरा है इंटरनल पेट्रोलिंग, तीसरा है फ्लोर लेवल पेट्रोलिंग या इन हाउस पेट्रोलिंग। एक्सटर्नल पेट्रोलिंग में सिक्योरिटी गार्ड कंपनी या बिल्डिंग के बाहर की परिधि या पेरीमीटर के चारों तरफ गश्त लगाता है। गश्त के दौरान वो देखता है कि कंपनी के जो सुरक्षा दीवार है या फेंसिंग है उसके पास कोई असामान्य गतिविधि या खतरा तो नहीं है, जैसे वाल के पास कोई अवैध निर्माण, फेंसिंग या वाल के साथ किसी तरह का टेम्परिंग या छेड़छाड़, नुकसान पहुंचाने की कोशिश, दीवार के पास लोगों का जमावड़ा और असामान्य गतिविधि जो कंपनी की सुरक्षा को खतरा पैदा कर सके, कंपनी या बिल्डिंग के आसपास कोई राजनीतिक या आपराधिक गतिविधि या घटना जिससे आने जाने वाले लोगों को परेशानी हो सके या कंपनी के ऑपरेशंस में किसी तरह का रुकावट पैदा कर सके। एक्सटर्नल पेट्रोलिंग के समय ऐसे तमाम चीजों पर नजर रखना होता है और इसके अलावा जो एक्सटर्नल पेट्रोलिंग करते समय सुरक्षा गार्ड को बहुत ही सूझबूझ और सचेत रहने की आवश्यकता होती है। कई सारी कंपनियां एक्सटर्नल पेट्रोलिंग के समय सिक्योरिटी गार्ड को सादे लिबास में रहने के लिए बोलती है जिसे हम मफ्ती कहते हैं। सादे कपड़ों में पेट्रोलिंग गार्ड आसपास के लोगों में घुल मिल जाता है और अपनी पहचान छुपाकर ज्यादा से ज्यादा जानकारियां जुटा सकता है। जो दूसरी तरह की पेट्रोलिंग ड्यूटी होती है उसे हम इंटरनल पेट्रोलिंग ड्यूटी कहते हैं। इंटरनल पेट्रोलिंग में सिक्योरिटी गार्ड कंपनी या बिल्डिंग परिधि के अंदर गश्त लगाता है। पेट्रोलिंग के दौरान सिक्योरिटी गार्ड ये देखता है, ऑब्जर्व करता है कि बिल्डिंग या कंपनी का गेट या डोर अच्छे से काम कर रहा है कि नहीं। अगर कोई गेट बंद अवस्था में रहती है तो वो गेट बंद है या नहीं है, बिल्डिंग पेरीमीटर वाल या फेंसिंग सही स्थिति में है या नहीं है, या वाल या फेंसिंग में किसी तरह का डैमेज तो नहीं है, बिल्डिंग एरिया में या रास्तों में ऐसा कोई सामान तो नहीं रखा हुआ है जो दूसरों के लिए जोखिम पैदा करे या जिसको देखने से डाउट लगे कि ये सामान यहाँ नहीं होना चाहिए, बिल्डिंग के अंदर आने जाने वाले सर्विस प्रोवाइडर, विजिटर, वर्कर की एक्टिविटी सस्पिशियस या संदेहास्पद तो नहीं है, कंपनी या बिल्डिंग क्षेत्र में जो रिस्ट्रिक्टेड एरिया या क्रिटिकल एरिया है वहां कोई ऐसा व्यक्ति ने प्रवेश तो नहीं कर लिया है जिसको वहां जाना अलाउड नहीं है, बिल्डिंग के अंदर जितने भी रास्ते हैं वो क्लियर हैं और किसी तरह का अवरोध नहीं है, ड्यूटी पोस्ट में आपके साथी गार्ड अलर्ट हैं और अपना काम अच्छे से कर रहे हैं, बिल्डिंग या कंपनी एरिया के अंदर कोई ऐसा अनजान या कीमती सामान तो नहीं पड़ा है जो शक पैदा करे या जिसके चोरी हो जाने की संभावना हो,
बिल्डिंग या कंपनी में जो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम है वो अच्छा से काम कर रहा हो, जैसे फायर अलार्म सिस्टम, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, गैस लीकेज डिटेक्शन सिस्टम आदि। जब सिक्योरिटी गार्ड पार्किंग एरिया में पेट्रोलिंग कर रहा होता तो उसे देखना चाहिए कि पार्किंग वायलेशंस तो नहीं हुआ है, किसी गाड़ी का डोर या विंडो तो नहीं खुला हुआ है, किसी गाड़ी से ऑयल तो लीकेज नहीं हो रहा है, ऐसी चीजों को वो पार्किंग में देखता है। इंटरनल पेट्रोलिंग के दौरान सिक्योरिटी गार्ड पानी या बिजली के अनावश्यक बर्बादी के ऊपर भी ध्यान देता है और उसको नोट डाउन करके अपने सुपरवाइजर को बताता है। अगर कंपनी या बिल्डिंग क्षेत्र में कोई वेस्ट डंपिंग एरिया है तो वहाँ चेक करना चाहिए कि किसी तरह का कोई कीमती आइटम वेस्ट में तो नहीं फेंक दिया गया है। कंपनी या बिल्डिंग के अंदर कोई मेंटेनेंस या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है तो पेट्रोलिंग गार्ड को चेक करना चाहिए कि उसके पास वैलिड वर्क परमिट है या नहीं है, और जब वो काम कर रहे हैं तो उन्होंने प्रॉपर रूप से सेफ्टी गियर पहना है या नहीं पहना है। कंपनी या बिल्डिंग के अंदर जो फायर प्रिवेंशन सिस्टम लगा हुआ है वो सही से काम कर रहा नहीं है, जैसे फायर हाइड्रेंट सिस्टम, फायर एक्सटिंग्विशर्स, फायर पैनल बोर्ड, पीए अनाउंसमेंट सिस्टम। रात में इंटरनल पेट्रोलिंग के दौरान ये चेक करना चाहिए कि कंपनी के जो महत्वपूर्ण एरियाज हैं या जो रास्ते हैं उसमें एडिक्वेट लाइटिंग है या नहीं है, जहां पर सीसीटीवी इंस्टॉलेशंस है उसके आसपास लाइटिंग्स है या नहीं है। अगर साइट में रात में गेट, डोर या स्टोर रूम, वेयर हाउस को लॉक करने का नियम है तो वो नियम अनुसार लॉक है या नहीं है। इसके अलावा भी कंपनी या साइट के हिसाब से पेट्रोलिंग के दौरान कुछ अलग से कार्य करने पड़ सकते हैं। तीसरी तरह की जो पेट्रोलिंग ड्यूटी होती है वो होती है फ्लोर लेवल पेट्रोलिंग ड्यूटी, जिसको हम इन हाउस पेट्रोलिंग ड्यूटी भी बोलते हैं। फ्लोर पेट्रोलिंग ड्यूटी में सिक्योरिटी गार्ड का कार्य उस फ्लोर तक ही सीमित रहता है। इंटरनल पेट्रोलिंग और फ्लोर पेट्रोलिंग की ड्यूटी में बहुत सारी समानताएं होती है, मगर फ्लोर पेट्रोलिंग में सिक्योरिटी गार्ड का दायरा सीमित होता है। फ्लोर पेट्रोलिंग में सिक्योरिटी गार्ड को फ्लोर के अंदर की गतिविधियों और ऑपरेशंस पे नजर रखना होता है। वो ये देखता है कि फ्लोर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी सिस्टम लगा हुआ है वो सही से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, जैसे एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, फायर अलार्म सिस्टम, पैनिक अलार्म सिस्टम, WLD, डोर अलार्म सिस्टम, जिसको हम DOTL भी बोलते हैं। पेट्रोलिंग के दौरान सिक्योरिटी गार्ड कंपनी के अंदर के रास्तों या फायर एग्जिट रास्तों को भी चेक करता है कि वो क्लियर हैं, या रास्तों पे कोई सामान रखा हुआ है जिसमें आने जाने वालों को परेशानी या रुकावट हो सकती है और इमरजेंसी के समय ये खतरनाक हो सकता है। फ्लोर के अंदर फायर एग्जिट डोर बंद है और पैनिक अलार्म एक्टिव है। फ्लोर के अंदर एम्प्लॉय, सर्विस प्रोवाइडर्स, विजिटर की गतिविधियां सामान्य है। फ्लोर के अंदर जो क्रिटिकल एरियाज हैं जैसे UPS रूम, सर्वर रूम, प्रोडक्शन एरिया, स्टोर रूम, इलेक्ट्रिकल रूम, यहाँ कोई अनऑथराइज एंट्री की घटना तो नहीं हुई है। फ्लोर के अंदर जो आपके साथी गार्ड डिप्लॉय हैं वो लोग एक्टिव हैं और अलर्ट हैं। पेट्रोलिंग गार्ड को फ्लोर में काम कर रहे दूसरे गार्डों को रिलीफ भी देना पड़ता है। रिलीफ देने के पश्चात उसको उस ड्यूटी पॉइंट पे दिए हुए कार्यों को करना पड़ता है। फ्लोर की पेट्रोलिंग के समय सिक्योरिटी गार्ड ये ऑब्जर्व करता है कि कंपनी के अंदर कोई ऐसा वैल्यूएबल अनअटेंडेड मटेरियल तो नहीं पड़ा हुआ जो चोरी हो सकती है या जिससे कोई खतरा हो सकता है। फ्लोर के अंदर राउंडिंग के समय वो देखता है कि अंदर में कोई मेंटेनेंस कार्य चल रहा है, अगर चल रहा है तो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे हैं वो लोग ने सेफ्टी गियर पहना है कि नहीं है, और ये काम करने की प्रॉपर अप्रूवल ली गई है, या काम के वजह से बिजनेस में कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हो रही है। अगर पेट्रोलिंग गार्ड की ड्यूटी में अंदर के मीटिंग रूम, केबिन्स को लॉक करने की जिम्मेदारियां हैं तो वो इंश्योर करता है कि मीटिंग रूम्स और केबिन्स लॉक रहें जब उसका इस्तेमाल ना हो रहा हो। इसके अलावा भी सिक्योरिटी गार्ड के कंपनी या साइट के हिसाब से पेट्रोलिंग की ड्यूटी में कुछ अतिरिक्त कार्य और हो सकते हैं। चूंकि सिक्योरिटी गार्ड का उद्देश्य कंपनी के अंदर हर गतिविधियों को मॉनिटर करने का होता है ताकि कंपनी के अंदर सुरक्षित माहौल बना रहे, ऐसे में पेट्रोलिंग गार्ड को कंपनी या साइट के अंदर की हर असामान्य, असुरक्षित और डाउटफुल घटनाओं पर नजर रखना होता है। किसी भी पेट्रोलिंग ड्यूटी में इमरजेंसी रिस्पॉन्स एक अति महत्वपूर्ण कार्य होता है, चाहे वो इमरजेंसी जिस भी तरीका का हो, जैसे फायर इमरजेंसी, मेडिकल इमरजेंसी, एक्सीडेंट या इंसिडेंट। पेट्रोलिंग की ड्यूटी करते समय सिक्योरिटी गार्ड को उसके साइट का या कंपनी का इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान पता होना चाहिए। उसको ये जानकारी होनी चाहिए कि मेडिकल इमरजेंसी होने पर उसको क्या करना है, फायर इमरजेंसी होने पर उसको क्या करना है, अगर कंपनी के अंदर कोई एक्सीडेंट हो गया है तो उसे क्या करना है, ऐसे तमाम इमरजेंसी रिस्पॉन्स प्लान के बारे में उसे पता होना चाहिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे टेक्निक्स ऑफ पेट्रोलिंग, पेट्रोलिंग करने के तरीके। पहला है चेंज ऑफ रूट्स। दोस्तों, इसका मतलब होता है पेट्रोलिंग के रूट में हमेशा बदलाव करते रहना चाहिए। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि पेट्रोलिंग का मुख्य आधार जो होता है वो होता है सरप्राइज। अगर आप हमेशा एक ही रूट पे पेट्रोलिंग करेंगे तो गलत नियत के व्यक्ति को पता चल जाएगा कि आप कहां से आने वाले हैं और किधर जाने वाले हैं। अगर उसने कुछ गलत घटना करने की प्लानिंग करके रखी है तो उसको मौका मिल जाएगा। ऐसे ही दूसरी टेक्निक है चेंज ऑफ टाइम। पेट्रोलिंग करते समय रूट के बदलाव के साथ साथ समय का बदलाव करना भी बहुत जरूरी होता है, जिससे सरप्राइज का एलिमेंट बना रहे और गलत नियत वाले व्यक्ति के अंदर डिटरेंस पैदा हो और वो हमेशा डाउट में हो कि पता नहीं कब, किस समय, किधर से सिक्योरिटी गार्ड आ सकता है। पेट्रोलिंग का तीसरा टेक्निक है ऑब्जर्वेशन। दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया था, सिक्योरिटी गार्ड को कंपनी के हर गतिविधियों पर नजर होनी चाहिए और उसको ये पता होना चाहिए कि कौन सा एक्टिविटी सही है और कौन सा डाउटफुल।
नेक्स्ट है यूज ऑफ सेंस। दोस्तों हर इंसान के पास सिक्स सेंस होता है, जिसे हम हिंदी में ज्ञान इंद्रियां बोलते हैं। ये छह सेंस है स्मेल, टेस्ट, साइट, हियरिंग, टच और कॉमन सेंस। पेट्रोलिंग के ड्यूटी में सिक्योरिटी गार्ड को ये छह सेंस का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। जैसे साइट का इस्तेमाल सिक्योरिटी गार्ड पेट्रोलिंग के दौरान चीजों को देखने के लिए करता है। पेट्रोलिंग के दौरान किसी असामान्य स्मेल से पेट्रोलिंग गार्ड जान सकता है क्या यह किसी चीज के जलने की स्मेल है। पार्किंग में पेट्रोलिंग करते समय वो स्मेल के माध्यम से किसी गाड़ी का ऑयल या गैस का रिसाव को वो जान सकता है। वैसे ही बाकी सेंस का इस्तेमाल सिक्योरिटी पेट्रोलिंग के दौरान परिस्थिति के अनुरूप किया जाना चाहिए। नेक्स्ट टेक्निक है वॉक डिस्क्रीटली। पेट्रोलिंग करते समय सिक्योरिटी गार्ड को सावधानी बरतनी चाहिए और उसको सावधानी से वॉक करना चाहिए। सिक्योरिटी गार्ड को पेट्रोलिंग के समय जितना कम हो सके नॉइज करना चाहिए, ताकि गलत नियत के व्यक्ति को सिक्योरिटी गार्ड के आने का आभास ना हो। इसके अलावा सिक्योरिटी गार्ड को पेट्रोलिंग के समय प्रॉपर इक्विपमेंट के साथ वॉक करना चाहिए जो उसके साइट के लिए एप्लीकेबल है, जैसे बैटन, टॉर्च, वॉकी टॉकी, सेफ्टी शूज, बारिश के समय में अम्ब्रेला इत्यादि। दोस्तों अगला जो टेक्निक है वो सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसे हम स्टार मेथड बोलते हैं। स्टार का फुल फॉर्म होता है S फॉर सी देखना, T फॉर थिंक सोचना या विचार करना, A फॉर एक्शन किसी भी घटना या दुर्घटना पे एक्शन लेना, R से होता है रिपोर्ट किसी भी घटना या दुर्घटना की रिपोर्ट करना। कोई भी सिक्योरिटी गार्ड पेट्रोलिंग ड्यूटी में स्टार मेथड को याद रखेगा तो उससे कोई भी गलतियां होने की गुंजाइश बहुत ही कम होगी। दोस्तों उम्मीद है आप जान गए होंगे कि सिक्योरिटी गार्ड ड्यूटी में पेट्रोलिंग ड्यूटी कैसे होती है। दोस्तों आशा है आपने ये वीडियो पूरा देखा होगा और आपको पसंद आया होगा। आप अपने विचार मेरे तक कमेंट बॉक्स के माध्यम से पहुंचा सकते हैं। मैं आगे भी ऐसा ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचाता रहूंगा। आपका साथ और सपोर्ट की जरूरत है। अभी तक के लिए इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।